नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पिरिट चैनल के ऊपर। तो साथियों, अभी हमारे दोस्तों की बहुत बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। AIIB ने अपनी साइट के ऊपर कुछ भी क्लियर किया नहीं है कि किस तरह से एग्ज़ाम में कौन से आपको बेरेक्ट्स ले जाने हैं, कौन से आपको बेरेक्ट्स नहीं ले जाने हैं। तो इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो अभी सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी 21 जनवरी से 25 जनवरी तक करेक्शन करने का ऑप्शन खुल गया है। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो फिर आप उसको अपने आईडी पे लॉगिन करके, और यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है, ये मेल आईडी और फ़ोन नंबर, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने जो लॉगिन आईडी है उसमें लॉगिन कीजिए, और उसके बाद में जो भी करेक्शन है उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो ये सभी साथियों को जिन्होंने AIIB का फॉर्म 17 का फॉर्म अप्लाई किया है, तो सभी 21 और 25 के बीच में अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके, आईडी पासवर्ड आपके पास में होगा ही, उससे लॉगिन करके और फिर अपना फॉर्म चेक कर लें, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जनरेशन भी इसी दौरान होगा। आपको पता लग जाएगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती है या नहीं है। अगर आपका फॉर्म ठीक है तो आपको कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके फॉर्म में कोई कमी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ ये है कि आप अपने जो भी बेरेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ भी ना लिखें। जैसे मान लो अगर आपको कुछ लिखना भी है तो ये बेरेक्ट है कि मैंने सैंपल के तौर पर मंगवाया है, तो ये आप इस तरह से आप उसमें कुछ भी लिखना चाहें तो इस तरह से अपने पास में रखें, उस पेपर के ऊपर लिखें कि भाई कुछ भी लिखना है और उसको अपने पढ़ें, और जिस भी पेज में आपको लगाना है वो लगा लें। तो बाद में आप जब जा रहे हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई मैंने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है, और ज़्यादा डीप में या ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इंडेक्स को ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको ध्यान हो कि कौन सा जो लॉ है, कौन से जो सेक्शंस हैं वो कहाँ पे हैं, और कौन से सेक्शंस किस एक्ट से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 30 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत विशेज कि आपका, आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, जो भी अटैम्प्ट दे रहे हैं आपका क्लियर हो जाए, आपको आगे जाके फ्यूचर में और परेशान ना होना पड़े, क्योंकि आप जब AIIB एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसी के बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिससे आप अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक न्यूज़ और है दोस्तों, कि बहुत सारे साथियों की एक क्वेरी है कि हमने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। तो साथियों, आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है तो अभी आप 30 जनवरी तक एडमिट कार्ड जनरेट होने से पहले अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो AIIB की साइट पे जाके और लॉगिन कर अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ अपलोड करने के बाद में आपको, अगर आपने नहीं लेके आए तो बार काउंसिल से जाके, अपने जो भी स्टेट बार काउंसिल है वहाँ से जाके सर्टिफिकेट लेके आएँ और उसको अपलोड करें, वरना आपको समस्या होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने अपलोड ही नहीं किया तो फिर बाद में आपको फर्दर टाइम भी नहीं मिलेगा, करेक्शन का टाइम भी अभी है और 30 जनवरी तक आपको अपलोड करने का टाइम मिला हुआ है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप अपना जो भी मैंने सुझाव दिए हैं इनसे मानिए, और इसके बाद में आप और वीडियो बनाएंगे कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखना है कि आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बेरेक्ट में भी नहीं मिलते, उनका सोल्यूशन कैसा करना है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों से संबंधित आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह ही आप प्यार करते रहिए द लीगल स्पिरिट चैनल को, और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद साथियों।